सब्सक्राइब कीजिए आर के शॉर्ट हैंड यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन पर भी प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सभी शॉर्ट हैंड रिलेटेड वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। वेलकम इन आर के शॉर्ट हैंड और आज इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 14 एन एंड एफ हुक्स। तो हम यहाँ पर एन हुक देखेंगे, अ स्मॉल फाइनल हुक स्ट्रक बाय द राइट मोशन एड्स एंड टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, अ स्मॉल फाइनल हुक विथ राइट मोशन एड्स एंड टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। तो चलिए यहाँ पर हम देखेंगे एग्जाम्पल, दैट इज आवर बे, अ स्मॉल फाइनल हुक एड्स बेन टो एड्स अ स्मॉल फाइनल हुक टोन दैट इज चे चेन क्वाई एड्स एन हुक क्वाइन रेन। नेक्स्ट पॉइंट, द हुक विच रिप्रेजेंट्स आर एट बिगिनिंग। अब क्या होता है, आर एट बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रोक स्ट्रेट स्ट्रोक एंड एन एट एंड एन एट एंड ऑफ द स्ट्रोक आर एट बिगिनिंग एंड एन एट द एंड। हेयर इज टू हुक्स आर हुक एंड एन हुक बोथ हुक्स स्ट्रक बाय राइट मोशन अब यहां पर हम एग्जाम्पल देखेंगे, ब्रेन आर एट द बिगिनिंग एंड एन एट द एंड ब्रेन। नेक्स्ट, ट्रेन क्रेन अब ये देखने के बाद, अ स्मॉल फाइनल हुक रिटर्न इनसाइड द कर्व एड्स एंड टू ऑल कर्व स्ट्रोक्स। अब यहाँ पर हम देखेंगे कर्व स्ट्रोक्स के अंदर एन हुक किस तरह से ज्वाइन होता है, दैट इज फे हुक्स अ स्मॉल फाइनल स्ट्रोक फेन थी थीन मून नेक्स्ट लीन अब ये देखने के बाद हम देखेंगे एफ वी हुक अ स्मॉल हुक स्ट्रक बाय द लेफ्ट मोशन एड्स एफ वी टू ऑल स्ट्रेट स्ट्रोक्स। आर हुक हमने देखा था विथ राइट मोशन एंड एफ वी हुक विथ लेफ्ट मोशन। एग्जाम्पल्स देखेंगे हम यहां पर, बफ टफ चेफ केव रेव हाइव
next the hook V represents L at the beginning and F or V at the end. अब यहाँ पर हमने जिस तरह से देखा था R एंड N के बारे में, अब यहाँ पर होगा आपका L at beginning, at the beginning and F and V at the end of the stroke. Both hooks are struck by the left motion. अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल्स देखेंगे इसके. नेक्स्ट क्लिफ, ग्लो, अब यहाँ पर हम देखेंगे कर्व्स जो है, नो हुक फॉर एफ वी हुक टू कर्व्स. अब कर्व्स जो है उसके लिए आपका एफ वी हुक नहीं है, यूज़ नहीं होगा उसमें. यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखेंगे कि एफ वी आता है तो आपको फुल ड्रॉ करना होगा वो. तो चलिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखेंगे. Fine, next five, line, but live, no hook, FV two curve strokes. Nine, knife, moon, move, move, a final hook cannot be employed when the words ends with the vowel sound because a final vowel require a final stroke. अब जो words vowel के साथ end हो रहे हैं vowel sound के, हम वहाँ पर एक final hook use नहीं कर सकते, वहाँ पर एक final stroke की ज़रूरत होगी आपको. यहाँ पर examples में हम देखेंगे pen, pen, but, penny, puff, puffy, fun. Here is final hook. Here is a final hook of N, but add the funny need to a final stroke. Funny, man, many, L N and S H N. The hook form in S H N when joined to another stroke may be written upward or downward. तो चलिए हम यहाँ पर देखेंगे इसके examples. Gallon, melon,
फॉल इन। सिचुएशन हुक्स यूज्ड मिडली। अब यहां पर हम देखेंगे हुक्स को मिडली किस तरह से यूज किया गया है। The and an F hook may be employed middly when they join easily and clearly with the following strokes. चलिए हम इसके कुछ examples देखेंगे middly and an F hooks के बारे में। Plenty, next agent, suddenness, next punish, painful, defense, divide, refer, last graphic, अब यहाँ पर हम कुछ वर्ड्स देखेंगे जिसमें मिडली हुक यूज़ नहीं किया गया है। थोड़ा मुश्किल है इसमें करना, बल्कि यहाँ पर आपको पूरा स्ट्रोक ही लिखना है, बेटर आप उसको रीड कर सकेंगे। देखेंगे हम ब्रांडी, एजेंसी, suddenly, painless, अब यहाँ पर हम देखेंगे सिलेबल, एन ई आर नर, द एन एंड डाउनवर्ड आर यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनल सिलेबल नर व्हेन द फॉलोइंग स्ट्रेट अप स्ट्रोक, इन अदर केसेस द सिलेबल रिप्रेजेंट द साइन। अब आपका जो नर है इस तरह के साइन से उसको रिप्रेजेंट किया जाएगा नर। अब यहाँ पर हम एग्जांपल्स देखेंगे, ओपनर, जॉइनर, कीनर, लाइनर, बट सम वर्ड्स हैं यहाँ पर आपको
आर डाउनवर्ड लेना होगा, जिस तरह के अब देखेंगे हम रनर विनर यॉनर अब हम देखेंगे एन एंड एफ हुक इन फेरोसोग्राफी द एन हुक इज यूज समटाइम इन फेरोसोग्राफी फॉर द वर्ड एंड हुक फॉर द वर्ड बीन देन ऑन एंड ऑन एंड एफ वी हुक फॉर द वर्ड ऑफ हैव एंड ऑफ। तो चलिए हम देखते हैं यहाँ पे सम फेरोसोग्राफी। आई हैव बीन आई हैड बीन नेक्स्ट बेटर देन Carried on. There on. Next hour on. Which have. Last out of here is our chapter number 14 F and V hook chapter is completed here.